वाकई आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि देश की नौजवान पीढ़ी देश के सामने मौजूदा चुनौतियों के सॉल्यूशन देने के लिए दिन रात एक कर रही है। पहले जो हैकेथॉन्स हुए उनसे मिले सॉल्यूशंस बहुत कारगर रहे हैं। हैकेथॉन्स में शामिल कितने ही स्टूडेंट्स ने अपने स्टार्टअप भी शुरू किए हैं। ये स्टार्टअप्स, ये सॉल्यूशंस सरकार और समाज दोनों की ही मदद कर रहे हैं। ये आज इस हैकेथॉन में शामिल हुई टीमों, हजारों स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कुछ हो ही नहीं सकता, ये बदल ही नहीं सकता, इस सोच से अब हर भारतीय बाहर निकला है। इसी नई सोच के चलते बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना है। आज भारत के यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कोरोना के महासंकट के दौरान भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई। भारत ने अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन भी की प्रक्रिया भी पूरी की और दुनिया के दर्जनों देशों को भी वैक्सीन पहुंचाई। साथियों, आज यहां यंग इनोवेटर्स और अलग अलग डोमेन्स के प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। आप सभी समय का महत्व समझते हैं। तय समय में लक्ष्यों तक पहुंचने का मतलब समझते हैं। आज हम समय के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमारा हर प्रयास अगले 1000 साल के भारत की नींव को मजबूत करेगा। आप इस यूनिक टाइम को समझे। ये समय यूनिक इसलिए है क्योंकि कई फैक्टर्स एक साथ आए हैं। आज भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। आज भारत में एक स्थिर और मजबूत सरकार है। आज भारत की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। साथियों, ये वो समय है जब टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुकी है। हम सबके जीवन में टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव आज है वो अतीत में कभी नहीं रहा। स्थिति ये है कि एक टेक्नोलॉजी के साथ हम पूरी तरह सहज भी नहीं हो सके तब तक उसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है। इसलिए आप जैसे यंग इनोवेटर्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, आजादी का अमृत काल यानी आने वाले 25 साल देश के साथ आपकी लाइफ को भी ये समय एक तरफ 2047 की तरफ की यात्रा और दूसरी तरफ आपके जीवनपूर्ण महत्व के महत्वपूर्ण वर्षों की यात्रा, दोनों साथ साथ है। भारत को विकसित बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है और इसमें आप सभी का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए,
भारत की आत्मनिर्भरता, हमारा भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट न करनी पड़े, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना न पड़े। अब जैसे डिफेंस सेक्टर है, आज भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहा है, लेकिन अभी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी तरह अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें सेमीकंडक्टर और चिप टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन एनर्जी जैसे सेक्टर्स को लेकर भी भारत की एस्पिरेशन बहुत हाई है। सरकार ऐसे सभी सेक्टर्स पर विशेष फोकस कर रही है, 21वीं सदी का आधुनिक सिस्टम बना रही है, लेकिन इसकी सफलता आप युवाओं की सफलता पर निर्भर करती है। साथियों, आज पूरी दुनिया की नजरें आप जैसे यंग माइंड्स पर टिकी है। दुनिया को विश्वास है कि भारत में उसे ग्लोबल चैलेंजेस का लो कॉस्ट, क्वालिटी, सस्टेनेबल और स्केलेबल सॉल्यूशन मिलेगा। हमारे चंद्रयान मिशन ने विश्व की उम्मीदों को कई गुना बढ़ा दिया है। आपको इन उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग सेक्टर्स में नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना है। आपको देश की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी दिशा तय करनी है। साथियों, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का लक्ष्य देश की समस्याओं का समाधान और समाधान से रोजगार का निर्माण, एक ऐसे चेन को चला रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन से देश की युवा शक्ति विकसित भारत के लिए समाधान का अमृत निकाल रही है। मुझे आप सभी पर, देश की युवा शक्ति पर अटूट भरोसा है। आप कोई भी समस्या देखें, कोई भी समाधान ढूंढें, कोई भी इनोवेशन करें, आपको विकसित भारत का संकल्प, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इसे हमेशा याद रखना है। आप जो भी करें वो बेस्ट हो। आप ऐसा काम करना है कि दुनिया आपको फॉलो करे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।